वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नेटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मल्टी कलर के साथ फ्लैट मशीन में इस डिज़ाइन को हम बना सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस बेबी स्वेटर का मेज़रमेंट आपके साथ शेयर किया था और आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए मैंने मशीन में यहाँ जितना प्रोजेक्ट बनाना है उतने फंदे डाल लिए हैं और अब हमने इन सभी नीडल्स को आगे कर देना है। इसके बाद यहाँ से हमने 6 नीडल्स पीछे करनी है। सिक्स नीडल्स को पीछे करने के बाद जो हमारे मशीन के हुक्स हैं उनको भी हमने पीछे की तरफ ही कर देना है। इसके बाद हमने दूसरे कलर के साथ यहाँ मशीन को एक बार चला लेना है। इससे हमारे पीछे की हुई नीडल्स बुनाई होंगी और आगे की हुई नीडल्स हमारी बुनाई नहीं होंगी। अब 6 में से हमने 5 नीडल्स को आगे कर लेना है और एक नीडल को हमने पीछे ही रहने देना है। मशीन को चला देना है, इससे हमारी पिछले वाले नीडल बुनाई हो जाएगी, जो आगे हैं वो नहीं होंगी। यहाँ हमने वेट लगा लेना है और लेफ्ट साइड की नीडल को भी पीछे कर देना है और मशीन को चला देना है। इसके बाद हमने राइट साइड की नीडल को पीछे करना है, फिर से हमने यहाँ मशीन को चला देना है और फिर इसी तरह से लेफ़्ट साइड की एक नीडल को पीछे करके हमने मशीन को चलाना है, फिर राइट साइड की एक नीडल पीछे करके हमने मशीन को चलाना है। तो इसी तरह से हमने एक एक बार मशीन को चलाते जाना है और लेफ़्ट और राइट साइड की एक एक नीडल को हमने पीछे करते जाना है जब तक कि हमारे पीछे 11 नीडल्स ना हो जाएं। तो इस तरह से हमारी यहाँ 11 नीडल्स पीछे हो गई हैं। अब हमने यहाँ से आगे से 6 नीडल्स और पीछे कर देनी है और मशीन को हमने चला देना है इस तरह से। अब हमने इन नीडल्स को भी बाहर कर लेना है, सिर्फ एक ही नीडल को हमने पीछे रहने देना है और इस नीडल के नीचे हमने वेट लगा देना है। उसके बाद हमने मशीन को इस तरह से चला देना है, फिर से हमने लेफ़्ट साइड की एक नीडल को पीछे करके मशीन को चलाना है, फिर राइट साइड की नीडल को पीछे करके मशीन को चलाना है, फिर से लेफ़्ट साइड की नीडल पीछे करनी है, मशीन चलानी है, फिर राइट साइड की नीडल पीछे करनी है, मशीन चलानी है, फिर से लेफ़्ट साइड की नीडल पीछे और मशीन चलानी है। अगर हमें यहाँ लगे कि वेट हमें ऊपर जैसे लगाना चाहिए तो हमने वेट ऊपर जैसे लगा लेना है और यहाँ भी हमने पूरी 11 नीडल ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। दोनों ही साइड से एक एक नीडल पीछे करते जाना है और मशीन को एक एक बार चलाते जाना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ भी 11 नीडल्स जो हैं वो पीछे हो गई हैं। अब हमने आगे की 6 नीडल्स को फिर पीछे कर देना है और मशीन को चला देना है। वही प्रोसेस दोहरानी है, सभी नीडल्स को आगे करना है, सिर्फ एक नीडल को पीछे रहने देना है और इसके नीचे वेट लगाना है, एक बार मशीन को चलाना है, फिर लेफ़्ट साइड की नीडल पीछे करनी है, मशीन चलानी है, फिर राइट साइड की नीडल पीछे करनी है, मशीन चलानी है और इसी तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लेना है जैसे कि हमने पहले कंप्लीट किया। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे फंदे हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो इसके लिए आपने वेट का ध्यान रखना है। इस वेट को हमने बिल्कुल सेंटर में लगाना है, जो दूसरा कलर जिसको हम डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं वहाँ हमने वेट डालना है, जिससे हमारे ये फंदे ऊपर की तरफ ना आए। और इस प्रोसेस को हमने आगे दोहराते जाना है। बस हमने जैसे ही हमारी 11 नीडल्स कंप्लीट होंगी वैसे ही हमने आगे की 6 नीडल्स को पीछे कर लेना है, फिर मशीन को चलाना है, बाकी सभी नीडल्स को आगे कर देना है, एक नीडल को पीछे छोड़ के मशीन को चलाना है और फिर दोनों ही साइड की
एक एक नीडल्स को पीछे करते हुए और मशीन को एक एक बार चलाते हुए हमने अपने इस तिकोने तरह के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में जितनी भी नीडल्स बचेंगी उनको हमने इसी तरह से बना लेना है। अगर कम नीडल्स बचेंगी प्रोजेक्ट के अनुसार तो हमने उतनी बार मशीन को दूसरे साइड में खाली चला लेना है और इस साइड से हमने उतनी नीडल्स जो हैं वो पीछे कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ एक कलर के साथ डिज़ाइन डाल दिया है। अब हमने यहाँ आना है, अब हमने हुक को फिर से नॉर्मल कर देना है, मशीन को एक बार इस तरह से चला देना है। अब हम यहाँ फिर से इन नीडल्स को आगे कर लेंगे। यहाँ हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पे रेड कलर ही यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नीडल को इस तरह से बना लेना है और जो मशीन के हुक्स हैं उनको हमने फिर से पीछे कर लेना है और उसके बाद हमने यहाँ वेट लगा लेना है और वेट लगाने के बाद जो एक हमारी नीडल है उसको भी हमने पीछे कर देना है, मतलब दो नीडल्स हमारी पीछे हो जाएंगी और उसके बाद हमने मशीन को इस तरह से चलाना है। अब इस साइड हमारी नीडल्स नहीं है तो इस साइड हम खाली मशीन को लाएंगे और इस साइड से नीडल पीछे करेंगे। फिर से हम यहाँ मशीन को दो बार चला देंगे क्योंकि एक साइड से तो हमारी नीडल है ही नहीं, तो इस तरह से हम चलाते हुए यहाँ पे 6 नीडल्स कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमारी अभी 5 ही नीडल्स हुई हैं तो एक और नीडल हम पीछे कर लेंगे। इस तरह से हमारी यहाँ 6 नीडल्स हो जाएंगी। इसके बाद आगे की 6 नीडल्स हम पीछे कर लेंगे, मशीन को चलाएंगे, फिर सभी नीडल्स को आगे करेंगे, एक नीडल हमारी पीछे रहेगी। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम यहाँ करेंगे, मशीन को एक बार लाएंगे और लेफ़्ट साइड की नीडल को पीछे करेंगे, फिर राइट साइड की नीडल को पीछे करेंगे। तो इसी तरह से हमने एक एक नीडल्स दोनों ही साइड से पीछे करते जाना है, साथ ही हमने मशीन को भी एक एक बार चलाते जाना है। तो अब हमने यहाँ 11 नीडल्स कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ साइड में हमने 6 ही की पहले, लेकिन अब हमने यहाँ 11 कर देनी है। जैसे ही 11 नीडल्स कंप्लीट होंगी फिर से आगे हमने 6 नीडल्स को पीछे कर देना है, फिर सभी नीडल्स को आगे करना है, एक ही नीडल को हमने छोड़ना है और फिर से यहाँ ध्यान रखना है कि हमने वेट अच्छे से यहाँ लगा लेना है। दोनों साइड से एक एक नीडल को पीछे करते जाना है और मशीन को एक एक बार हमने चलाते जाना है। तो इसी तरह से हमने यहाँ भी ये जो हमारा तिकोना डिज़ाइन है इसको कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ आपको सिर्फ दो ही कलर के साथ बता रही हूँ, आप जो भी मल्टी कलर्स हैं उनको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी स्वेटर्स बनाने के बाद जो आपके पास ऊन बच जाती है उसका इस तरह के डिज़ाइन के लिए आप बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये मल्टी कलर यूज़ किए हैं इसमें और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सिर्फ ऊपर जैसे ही डिज़ाइन डाला है, आप इसको पूरी स्वेटर में भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।